अब इस सेशन में मैं आपको ऑप्शन से परिचय कराती हूँ। इससे पहले भी हम ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातें और भी हैं जो ट्रेडिंग के दौरान मदद करती हैं। तो चलिए आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे स्टॉक की खरीदारी और बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है और जिसे शुरू में सहमति और निर्धारित तिथि तक खरीदा जाता है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट सामान्य रूप से स्टॉक के 100 शेयरों को बेचता है। आमतौर पर ऑप्शन आपको उस ट्रेड में शर्त लगाने की अनुमति देता है जहां आपको लगता है कि शेयर की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों की अनुमति मिलती है, जैसे एक निश्चित स्टॉक के शेयरों को निश्चित समय अवधि में पूर्व निर्धारित समय पर खरीद या बेच सकते हैं। अलग निवेशक को कॉन्ट्रैक्ट बेचें, ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक पहुंचने दें और फिर अगर आप चाहें तो बिना किसी अधिक वित्तीय बाध्यता के छोड़ सकते हैं। आप कमिटमेंट फोर्ब्स के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य प्राइस में शॉर्ट टर्म बदलाव को अधिकतम करना है और कॉन्ट्रैक्ट्स में अंदर या बाहर ट्रेडिंग करना है, फिर भी आप इस निवेश को लॉन्ग टर्म बाइंग और होल्डिंग ऑप्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ प्रकार हैं, उन्हें देखते हैं। पहला है कॉल ऑप्शन। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके मालिक को अधिकार देता है, लेकिन एक निश्चित समय की अवधि में पूर्व निर्धारित कीमत पर एक निश्चित स्टॉक की खरीद या कॉल करने के लिए बाध्य भी नहीं करता है। हर कॉन्ट्रैक्ट फंडामेंटल स्टॉक के 100 शेयरों का पार्ट है। हालांकि निवेशक के पास स्टॉक का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए ताकि वो कॉल ऑप्शन की बाइंग या सेलिंग न कर सकें। इन्वेस्टर्स को ऑप्शन का उपयोग क्यों करना चाहिए वो देख लेते हैं। स्टॉक की खरीद की तुलना में एक ऑप्शन की सेलिंग के लिए कम प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इन्वेस्टर को ये देखने और पता लगाने का समय देता है कि चीजें कैसे बदलेंगी। ऑप्शन इन्वेस्टर को किसी भी नेगेटिव रिस्क से बाहर निकालता है जो प्राइस लॉकिंग के रूप में हो सकता है, और तब भी वो खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। कॉल ऑप्शन की वैल्यू के उदाहरण देखते हैं। यदि स्टॉक का मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक है तो इसका मतलब है कि कॉल पैसे के योग्य है, और इसलिए कॉल का मूल्य निम्नलिखित इक्वेशन में समान है: स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस गुणा 100। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयरों के लिए है। अब देखते हैं कि पुट ऑप्शन क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट उसके मालिक को एक निश्चित अवधि के लिए स्ट्राइक मूल्य पर स्टॉक की बिक्री करने के लिए एक अधिकार देता है, लेकिन बाध्य नहीं करता है। पुट ऑप्शन को खरीदने के इच्छुक निवेशक दिए गए विशेषाधिकार के कारण पुट सेलिंग करने वाले निवेशक को प्रति शेयर प्रीमियम का पेमेंट करता है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट फंडामेंटल स्टॉक के 100 शेयरों के लिए है। ये वो स्टॉक है जिसके साथ ऑप्शन आधारित है। निवेशकों को स्टॉक के मालिकाना हक के लिए बाध्य नहीं किया जाता है ताकि पुट ऑप्शन को खरीदा जा सके। अब पुट ऑप्शन वैल्यू के उदाहरण देखते हैं। जब पुट ऑप्शन एक्सपायरी डेट तक पहुंचता है तो इसका मतलब है कि पुट कुछ पैसे के योग्य है, और इसलिए पुट ऑप्शन के वैल्यू को निम्नलिखित इक्वेशन द्वारा दर्शाया गया है: स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस गुणा 100। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक 100 शेयरों के लिए है। उम्मीद है आपको ऑप्शंस के बारे में सीखने में मजा आया होगा।